हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो हायना के बारे में है और आप देख रहे हैं वाइल्ड एंड रॉ नेचर। दोस्तों, हायना के बारे में आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये देखने में डॉग्स जैसे लगते हैं और इन्हें एनवायरनमेंट का सफाई कर्मी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी सड़े गले पशुओं को खा लेते हैं। इसकी हैप्पीली बैठे हैं। इस पिक में आप देख सकते हैं दोनों डिफरेंट चारों तरह के जो हायनाज हैं उनके बारे में। ये स्पॉटेड हायना है, अफ्रीकन सवाना में मिलता है। ये स्ट्राइप्ड हायना है जो कि इंडिया में मिलता है। ये हायना का क्लैन, ये ब्राउन हायना जो कि थोड़ा एंडेंजर्ड भी कह सकते हैं इसको, आर्डवॉल्फ हायना, ये थोड़ा साइज में छोटा होता है। और ये नॉक्चरनल एनिमल है, लेकिन रात को ही निकलता है। इसको हम निशाचर भी कहते हैं, लेकिन कभी कभी सुबह सुबह भी अपनी मान से निकल जाते हैं। देखिए कितना खतरनाक एनिमल है दोस्तों। स्ट्राइप्ड है ना और ब्राउन है ना, स्कैवेंजर्स होते हैं। ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं, जबकि स्पॉटेड है ना जो है शिकार भी करते हैं। ये आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये स्पॉटेड है ना, झाड़ियों के पास बैठे हैं ये शिकार की तलाश में। आर्डवुल्फ इंसेक्टिवोरस होता है इसमें, जो इसका आर्डवुल्फ चौथा जो टाइप है, और ये मेनली दीमक टर्माइट्स को खाता है। आर्डवुल्फ हर रात में करीब 30,000 तक टर्माइट्स को खा सकते हैं, और मेनली अफ्रीकन सवाना इनका घर है। और ये खाना बर्बाद नहीं करते हैं, जानवर की हड्डी से लेकर खुर तक ये सभी कुछ खा लेते हैं। इनके ग्रुप को क्लैन कहा जाता है। स्पॉटेड हायना काफी सोशल भी होते हैं और इनके ग्रुप में 80 तक मेंबर्स हो सकते हैं। ये देखिए, ये क्लैन में ही शिकार करते हैं। और एक इनके बारे में खतरनाक बात दोस्तों ये भी है कि शिकार को मारते नहीं है। वाइल्ड डॉग्स और हायनास ये शिकार को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं, इसलिए अफ्रीका में लोग इनसे नफरत भी करते हैं। लेकिन देखा जाए तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है कि नेचर ने इनको स्कैवेंजर के रूप में ही डेवलप किया है। स्कैवेंजर का काम ही इस तरह से सभी सड़ा गला मांस और ये सब कुछ खाना है। दोस्तों, आर्डवुल्फ एक इनका ऐसा टाइप है जिसको जो लाइफ लॉन्ग अपने पार्टनर के साथ रहता है। एक फैक्ट ये है इनके बारे में कि आर्डवुल्फ हमेशा अपने पार्टनर के साथ रहता है। स्पॉटेड जो हाइनाज होते हैं उसमें फीमेल हाइना का वर्चस्व रहता है, जबकि अन्य प्रजाति में नर लकड़बग्घाओं का वर्चस्व होता है। दोस्तों, शिकार करने के समय ये तरह तरह की आवाज़ भी करते हैं। इसमें एक कुछ ऐसी हंसी की सी आवाज़ भी होती है जैसे इंसानों, जो कि इंसानों की हंसी से मिलती जुलती होती है, इसलिए इनको स्पॉटेड हायनास को लाफिंग हायनास भी कहते हैं। और ये हायना का क्लैन शिकार कर रहा है। दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं एक जैकाल भी है। जैकाल नॉर्मली इनके क्लैन के आसपास, हाइनास के क्लैन के आसपास और लॉयंस के प्राइड के आसपास मिलते हैं। ये भी स्कैवेंजर्स हैं। दोस्तों, स्लाइड में आप इसमें देख सकते हैं कुछ फैक्ट्स इसके बारे में कि जो इस लकड़बग्घे का दिल सामान आकार के मैमल से दोगुना बड़ा होता है और 60 किलोमीटर तक की इसकी स्पीड होती है। दोस्तों, हायनास और लॉयन के बीच अपने एरिया के लिए, टेरिटरी के लिए और शिकार को हमेशा लेके जो है राइवलरी रहती है, और दोनों एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। हायना के बच्चों को कब कहते हैं और
इसमें देखिए आप, इसमें दो तरह के हायना हैं, एक तो स्पॉटेड हायना है, एक स्ट्रिप्ड हायना है। और इसमें शेर के बारे में दोस्तों एक फैक्ट ये है कि हायनास जब शिकार करते हैं तो हायना अपने जब बाकी साथियों को बुलाने के लिए आवाज़ करता है तो शेर उस आवाज़ को पहचान लेता है, उस हायना के पास जाकर उससे उसका शिकार छीन लेता है। दोस्तों इनके बारे में कई किंवदंतियां भी हैं कि जैसे तंजानिया और भारत में कि हायना चुड़ैलों की सवारी है, लेकिन ये इस तरह के मिथ्स ही हैं। दोस्तों केन्या और तंजानिया के जो मसाई जनजाति के लोग हैं वो अपने आगे डेड लोगों को दफनाने के लिए उनका जो डेड बॉडी होती है वो इनके क्लैन के पास ही छोड़ देते हैं। और IUCN के अकॉर्डिंग इनमें से सिर्फ ब्राउन स्पीशीज ही विलुप्ति की कगार पर है। तो दोस्तों कैसे लगे ये फैक्ट्स? अगर अच्छे लगे हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।